हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है, तो इस हीट को कैसे बीट दें, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश पुदीने और नींबू का शरबत। इसको आप एक बार बना लीजिए और पूरी गर्मी लुत्फ उठाइए। और इस ये केमिकल फ्री है और इसमें कोई भी कलर एडेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने लिया है फ्रेश पुदीना और 250 ग्राम लिया मैंने चीनी। तो चीनी का मैं बनाऊंगी सिरप। चार है मैंने नींबू लिए हैं। नींबू का माइल्ड फ्लेवर है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और मसाले आप इंस्टेंट भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, और हाथों शरबत बनाए उस टाइम भी डाल सकते हैं। यदि आपको व्रत वगैरह में यूज करना है तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिए और बाद में जिसको पीना है वो मसाले ऐड कर सकता है। तो ये शरबत दोनों तरह से ही बनता है, मसाले डाल के भी बना सकते हो और बिना मसालों के बगैर भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं शुगर सिरप है वो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और इसमें डालूंगी मैं 150 ग्राम पानी और इसको चढ़ा दूंगी गैस पर। चीनी है वो हमारे इसमें चाशनी में उबाल आ चुका है, तो इसको हम 5 मिनट तक कुक होने देते हैं। दूसरी तरफ हम पुदीने को मिक्सर में डाल के एक इसका पेस्ट है वो तैयार कर लेते हैं। पुदीने को हमें अच्छे से दो पानी से वॉश करना है। एक तो हमें बॉइल्ड वाटर से अभी वॉश करना है ताकि हमें कोई मतलब ये बिल्कुल कीटाणु रहित हो जाए, और दूसरा फिर हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो अब हम इसका एक पेस्ट है वो तैयार कर लेते हैं। हमने अपना पुदीना पीस लिया है, तो अब हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि बिना छाने फिर ये गले में आता रहता है पुदीने का है वो। अब हम इस जूस को अपने चाशनी है वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम अपना पुदीने का जो जूस है वो ऐड कर देते हैं और इसको 5 मिनट तक और कुक कर लेते हैं। यदि आपको नमक और जीरा काली मिर्च ऐड करना हो तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें बाद में भी ऐड की जा सकती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। हमारा ये शरबत है वो कुक हो रहा है, तो हमें इसको मतलब अच्छे से कुक करना है, तभी इसकी सेल्फ लाइफ है वो अच्छी रहेगी। हमें लगभग एक तार जितनी चाशनी है वो इस स्टेज तक हमें कुक करना है। तो अब हमारा सिरप है वो गाढ़ा हो चुका है, लगभग एक तार की चाशनी जितना। तो अब गैस की फ्लेम कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारा सिरप है वो ठंडा हो चुका है, तब इसमें डाल देते हैं नींबू का रस, जो कि प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, इसको जमने भी नहीं देगा और टेस्ट को भी इम्प्रूव करेगा। तो हमारा पुदीने का शरबत है बिल्कुल तैयार पीने के लिए। यदि आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं हो तो आप सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नींबू का सत है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें कलर और कुछ भी ऐड नहीं किया है, प्योर फ्रेश से इसको बनाया है। बहुत ही अच्छी सी एरोमा इसके अंदर से आ रही है, बिल्कुल रिफ्रेश करने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इसको बनाएं और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।